नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल लाल मीणा आप सभी के हमारे YouTube चैनल साइबर स्टडी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज के इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की दो महत्वपूर्ण टूल डिजाइन टूल और ट्रांजिशन के बारे में सीखने वाले हैं। डिजाइन टूल में हम पेज डिजाइन करना, थीम लगाना, पेज बैकग्राउंड देना, स्लाइड शो करना, स्लाइड सेटिंग करना और स्लाइड में वाटरमार्क लगाना सीखेंगे। इसके अलावा हम ट्रांजिशन में डिफरेंट ट्रांजिशंस देना और ट्रांजिशन पर टाइमिंग लगाना और ट्रांजिशन से रिलेटेड कुछ सेटिंग भी सीखेंगे। डियर लर्नर्स, इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के 3 वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की प्लेलिस्ट में उपलब्ध करा दिए हैं। उनमें मैंने फाइल मीनू, होम मीनू और इंसर्ट मीनू को कवर किया है। फाइल मीनू में हमने PPT फाइल क्रिएट करना, फाइल एडिटिंग करना, फाइल ओपनिंग करना, प्रिंट सेटिंग करना, फाइल शेयरिंग करना, फाइल एक्सपोर्टिंग जैसे इंपॉर्टेंट टूल पर डिस्कस किया था। इसके अलावा हमने होम मीनू के अंदर क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फॉन्ट, पैराग्राफ, ड्राइंग, एडिटिंग जैसे इंपॉर्टेंट टूल पर भी हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने इंसर्ट मेनू में टेबल डिजाइन देना, टेबल इंसर्ट करना, स्लाइड सेटिंग, स्लाइड शो करना, स्लाइड डिजाइन देना, टेबल फॉर्मेटिंग करना, पिक्चर इंसर्ट करना, फोटो एल्बम बनाना, सेफ स्मार्ट आर्ट एड इंस और पेज लिंक देना, कमेंट, हेडर फुटर, वर्ड आर्ट, सिंबल्स, ऑडियो विजुअल एडिटिंग, स्क्रीन रिकॉर्डिंग जैसे इंपॉर्टेंट टूल पर डिस्कस किया था। डियर लर्नर्स, आप उन तीनों वीडियो को देख लें जिससे आपको पावर पॉइंट का कंप्लीट कोर्स अच्छे से समझ में आ सके। प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा मैंने MS Word और MS Excel का ट्यूटोरियल भी आपको इस YouTube चैनल पर उपलब्ध करा दिया है। आप MS Word और MS Excel के सभी वीडियो देखकर इस कोर्स को कंप्लीट कर लें। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे मेरे आने वाली वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे विद्यार्थियों, वीडियो एंड तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास, जान पहचान वालों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। बिना देरी किए हम हमारे आज के ट्यूटोरियल की शुरुआत करते हैं और मैं ले चलता हूं आपको हमारे कंप्यूटर की मेन स्क्रीन पर। दोस्तों, आपके सामने जो पेजर व्यू हो रहा है, जो पेजर शो हो रहा है, ये एक नॉर्मल स्लाइड है और हम इसी में फॉर्मेटिंग करके देंगे। हम आइए हम इसकी डिजाइन चेंज करके देख सकते हैं। हमारे पास कई सारे टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल है। जिस तरीके की आपको डिजाइन में चाहिए आप उस तरीके की डिजाइन यहाँ पे ले सकते हो। हमने अभी डिजाइन टैब यहाँ पे ओपन कर रखी है। आप यहाँ से ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आपके सामने बहुत सारे डिजाइन आपके सामने आ जाते हैं। आप जैसे डिजाइन आपको चाहिए आप वैसे वैसे डिजाइन यहाँ से ले सकते हो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट हम देखेंगे डिजाइन आपने यहाँ से ले लिया, आप इनका कलर यहाँ से चेंज कर सकते हो। जैसे आपको कलर लेना है वैसे आप कलर ले सकते हो। आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल। फॉन्ट की साइज अगर आपको चेंज करनी है तो आप फॉन्ट की साइज चेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये जो फॉन्ट लिख रहा है आप इसकी साइज चेंज कर सकते हो। जैसा आपको चाहिए वैसा आप यहाँ पे इफेक्ट लगा सकते हो। जैसे आपको इफेक्ट लगाना है, मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ताकि आपको नज़र आ सके। ठीक है, आप देखिए हम इसमें लगा के देखते हैं, फॉन्ट का कलर चेंज करके देखते हैं पहले फॉन्ट की स्टाइल। तो आप देख रहे हो जैसे जैसे मैं इसमें ले जा रहा हूँ फॉन्ट की स्टाइल भी थोड़ी चेंज हो रही है। मैं थोड़ा इसको और नीचे ले आता हूँ ताकि अब आपको इसके फॉर्मेटिंग अच्छे तरीके से दिखाई दे सके। देखिए, आप यहाँ से कोई सी भी फॉर्मेटिंग इसमें यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो फॉन्ट का, जैसा आप कलर चेंज करना चाहते हो। देखिए आप साइड्स का कलर चेंज हो रहा है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। कस्टमाइज कलर पे क्लिक करके आप खुद भी कलर यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो जैसा आपको अच्छा लगे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम यहाँ से इसमें इफेक्ट दे सकते हैं जैसा आपको इफेक्ट देना है। आप जैसे आपको इफेक्ट पसंद है आप यहाँ से इफेक्ट दे सकते हो। ठीक है, जो भी आपको ठीक लगे यहाँ से आप इफेक्ट दे सकते हो इसके अंदर। दोबारा से हम एक बार इसको अप्लाई करके देखते हैं, आपको जैसा इफेक्ट आपको देना है वैसा इफेक्ट आप इसमें दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा आप बैकग्राउंड की स्टाइल चेंज कर सकते हो, आपको जो बैकग्राउंड वो किस तरीके का दिखाई देना चाहिए। नेक्स्ट हम यहाँ से स्लाइड की साइज सेट कर सकते हैं कि फुल स्क्रीन दिखाई देना चाहिए या कम स्क्रीन पर ही दिखाई देना चाहिए। अगर हम बैकग्राउंड को फॉर्मेट करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके हम इसकी बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। बैकग्राउंड की फॉर्मेटिंग से मतलब आप बैकग्राउंड कैसा रखना चाहते हो। ठीक है, अगर आप सॉलिड फिल करना चाहते हो तो सॉलिड फिल अभी पहले से ये फुल कलर देना। इसके अलावा आप ग्रेडियंट फिल करना चाहते हो तो ग्रेडियंट फिल के आपको यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप ट्रांसपेरेंसी डाल सकते हो इसके अंदर। ठीक है, आप इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हो और इसके अंदर किस तरीके की आपको इसमें पोजिशन रखनी है आप वहाँ पर इस तरीके की इसमें पोजिशन रख सकते हो। ठीक है, देखो इस तरीके से आप इसके पोजिशन इसके रेडियल कर सकते हो, रेक्टेंगुलर कर सकते हो। इसमें बैकग्राउंड की आप पोजीशंस चेंज कर सकते हो। ठीक है, कलर भी चेंज कर सकते हो आप इसका, जैसे आपको ठीक लगे वैसे आप इसमें यूज करके देख सकते हो। नेक्स्ट आप इसमें पिक्चर्स डाल सकते हो।
ठीक है, पिक्चर्स या टेक्सचर्स भी आप इसमें डाल सकते हो। अगर आप कोई फोटो डालना चाहते हो तो आप इंसर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे बैकग्राउंड में फोटो इंसर्ट करवा सकते हो। इंसर्ट पे आप क्लिक करो, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं आपके सामने आपकी कंप्यूटर मीनू ओपन हो जाएगी। कंप्यूटर मीनू से आप अभी यहाँ पे कोई भी पिक्चर यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। जैसे आप कंप्यूटर मोबाइल में से कंप्यूटर में से एक पिक्चर लेनी है आपको यहाँ पे, आप कंप्यूटर में जाइए और जैसे मैं डेस्कटॉप से एक पिक्चर उठा लेता हूँ, अपने ICT का लोगो ले लेता हूँ और यहाँ पे इंसर्ट करवा देता हूँ, तो आप इस तरीके से इसको बैकग्राउंड में दे सकते हो। ट्रांसपेरेंसी आप इस तरीके से कम ज़्यादा कर सकते हो, कितनी ट्रांसपेरेंसी आपको इसमें दिखानी है। ठीक है, आप यहाँ पे टेक्स्ट दिखा सकते हो, जैसे यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया हमने, जैसे मैंने यहाँ लिखा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड मैंने यहाँ पे लिखा और हेलो वर्ल्ड का आप इसका कलर चेंज कर लेते हैं इस वर्ड का, और इसमें कलर फिल कर देते हैं हम, ठीक इस तरीके से। तो आप इस यहाँ पे पीछे बैकग्राउंड लगा सकते हो इस तरीके से। आप पैटर्न भी लगा सकते हो, जैसा पैटर्न आपको अच्छा लगे वैसा पैटर्न आप यहाँ पे बैकग्राउंड के अंदर लगा सकते हो। पैटर्न पे आप क्लिक करो और पैटर्न पे क्लिक करने के बाद में आपको जैसा पैटर्न चाहिए वैसा पैटर्न आप बैकग्राउंड के रूप में लगा सकते हो। अगर आप बैकग्राउंड को हाइड करना चाहते हो ग्राफिक्स को, तो उनका हाइड कर सकते हो। तो इस तरीके से फ्रेंड हम इसमें बैकग्राउंड की सेटिंग कर सकते हैं। आप इसमें 0.5 अगर बैकग्राउंड को बढ़ाना ओपन करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो इसके अंदर। ठीक है, जैसे आपने कोई पिक्चर्स इंसर्ट कराए इसके अंदर, तो आप यहाँ से उस पिक्चर्स को क्या कर सकते हो, एक्स वाई की तरफ उसकी स्केल करवा सकते हो, उसको ऑफसेट में सेट कर सकते हो, उसको ऊपर नीचे बढ़ा सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा पिक्चर इंसर्ट करवाता हूँ और कंप्यूटर के अंदर जाता हूँ और मैं अपना ICT का लोगो इसमें इंसर्ट करवाता हूँ। अब मैं इस पर ऑपरेशन करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इधर राइट लेफ्ट की तरफ ऑफसेट हो जाए, या फिर राइट की तरफ ऑफसेट करना चाहता हूँ तो इस तरीके से कर सकता हूँ। टॉप में करना चाहता हूँ तो टॉप की तरफ इसमें जगह छोड़ सकता हूँ, अगर नीचे की तरफ करना चाहता हूँ तो नीचे से इसमें ऊपर कर सकता हूँ। आप इस तरीके से ऑफसेट करना चाहते हो, आप इसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सकते हो और ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो। इस तरीके से आप इसमें फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आपके पास और भी बहुत सारे इसमें कलर वगैरह कई सारे ऑपरेशंस इसमें मिल जाते हैं, वो भी आप इसमें कर सकते हो। फ्रेंड्स, डिजाइन्स के अंदर इतने सारे ऑप्शंस हमारे पास होते हैं। अब हम समझते हैं ट्रांजिशंस के बारे में। फ्रेंड्स, ट्रांजिशन में जैसे आपके पास स्लाइड है, अब आप इसको चाहते हो किस तरीके से डिस्प्ले होनी चाहिए, नीचे से ऊपर की तरफ आए या राइट से लेफ्ट की तरफ आए, ठीक है, इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे शेप की तरफ यूज हो या अनकवर हो या कवर हो, ठीक है, फ्लैश हो, और आप डाउन ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स आप दे सकते हो, बहुत सारे स्लाइड शो आप इसमें दे सकते हो। जैसे डूर्स की तरह ओपन हो तो आप यहाँ पे डूर्स की तरह इसको ओपन कर सकते हो। ऐसी बात नहीं, यही है इसमें भी, आप इसके अंदर भी वर्टिकली चाहते तो वर्टिकली हो जाएगा, अगर आप चाहते हो हॉरिजॉन्टली ओपन होना चाहिए तो हॉरिजॉन्टली ओपन हो जाएगा। आप अगर स्पीड तेज करना चाहते हो तो आप इसकी स्पीड तेज कर सकते हो, यहाँ से समय कम कर दो तो स्पीड तेज हो जाएगी। अब जब आप इस पर प्रीव्यू करोगे आप देखो कितनी जल्दी ओपन हो गया। अगर आप चाहते हो धीरे धीरे ओपन हो तो आप यहाँ से टाइम इसका बढ़ा दीजिए, अब आप प्रीव्यू करके देखिए तो ये धीरे धीरे ओपन होगा। तो इस तरीके से आप इसमें भी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। आप साउंड दे सकते हो इसके अंदर, अगर आप चाहते हो साउंड भी आए तो इस तरीके से आप क्लिक करोगे तो देखो इस तरीके से हल्का सा साउंड भी सुनाई देगा। एडवांस स्लाइड में आप अगर माउस की क्लिक पर चाहते हो कि चेंज हो स्लाइड, तो माउस की क्लिक पर आप ओके रखिए, जैसे आप माउस दबाओगे तो स्लाइड चेंज होती जाएगी, या फिर आप चाहते हो अपने आप स्लाइड चेंज हो। जैसे मैंने यहाँ से एक नई स्लाइड ओपन कर ली, होम के अंदर गया और यहाँ से मैंने एक नई स्लाइड ओपन कर ली और मैं इसमें लिख देता हूँ थैंक्स। ठीक है, मैं इसमें लिख देता हूँ थैंक्स। फ्रेंड्स, जैसे हमने फर्स्ट स्लाइड का प्रीव्यू देखा, मैं इसमें गया ट्रांजिशंस में, और अभी मैं यहाँ पे टाइम दे देता हूँ, ठीक है ना, इसका 1 मिनट का टाइम दे देता हूँ, ये 1 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, इसमें कम टाइम कर देते हैं इसका। तो फ्रेंड्स, अब जैसे आप चाहते हो माउस की क्लिक पे, जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे, आप नीचे प्रीव्यू पे क्लिक, जैसे आप इसकी फुल फॉर्मेटिंग देखोगे इसकी, अब आप अगर माउस पे क्लिक करके आप इसको चेंज करना चाहते हो तो वैसे हो जाएगा, नहीं तो 1 सेकंड होते ही अपने आप भी चेंज हो जाएगा। जैसे अभी 1 सेकंड होते अपने आप चेंज हो गए, तो इस तरीके से आप इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिजाइंस और ट्रांजिशंस फॉर्मेट, जिसको आप अपने पावर पॉइंट स्लाइड के अंदर यूज़ कर सकते हो। एक और चीज़ बतानी है फ्रेंड्स इसके अंदर आपको, अगर आप कोई बैकग्राउंड की स्लाइड पर लगाना चाहते हो और उसको आप सभी स्लाइड पर अप्लाई करना चाहते हो, तो अप्लाई टू ऑल क्लिक करके आप उस बैकग्राउंड को सभी स्लाइड पर
अप्लाई कर सकते हो। जैसे देखिए ये बैकग्राउंड था, ये तो सभी स्लाइड पे क्या हुआ, ये अप्लाई हो गया। फ्रेंड्स आप सभी ने इस वीडियो को ध्यान से देखा, मुझे अच्छा लगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इस चैनल को लाइक करें और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।